भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के मिर्जा चौकी बॉर्डर के पास स्थित शाहबाद गांव में एक टोटो शोरूम से भारी मात्रा में अवैध हथियारों की बरामदगी हुई है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भूलन इंटरप्राइजेज टोटो शोरूम के संचालक अवधेश कुमार दुबे उर्फ भूलन दुबे अवैध हथियारों का कारोबार कर रहा है, जिसके बाद एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और छापेमारी के दौरान एक देसी कट्टा, 62 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया। वहीं आरोपी अवधेश कुमार दुबे मौके से फरार हो गया और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी अर्जुन गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मिर्जा चौकी थाना में अवैध वसूली के एक मामले में वह पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है और जल्द ही उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। पीरपैंती थाना को सूचना प्राप्त हुई कि शाहबाद स्थित भूलन इंटरप्राइजेज टोटो शोरूम पर उनके केबिन में आग्नेयास्त्र रखा हुआ है, तो पुलिस जब सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस सूचित करते हुए अपने दल बल के साथ इंटरप्राइजेज पहुंची तो उनका इंटरप्राइजेज का जो केबिन था वो बंद था। फिर वहां बात किया गया तो बताया कि हम कहीं बाहर हैं, एक घंटा में आ जाते हैं। तो लेकिन एक घंटा डेढ़ घंटा तक इंतज़ार किया गया, नहीं आए। फिर तीन घंटा तक इंतज़ार की पुलिस, नहीं आए। तो फिर पुलिस जो है मिस्त्री बुला करके उनका केबिन को तोड़ा गया, दो स्वतंत्र साक्षी ले लिया गया वहाँ पर लोकल। इसके बाद जब तोड़ा गया तो उसमें से हम पुलिस को मिला दो कारतूस, जिंदा कारतूस। इसके बाद फिर उनके किचन रूम की जब छानबीन किया गया तो उसमें किचन में सबसे कोना में रखा हुआ एक कट्टा पाया गया। इसके बाद एक बाथरूम था, बाथरूम का भी ताला बंद था, उसकी भी चाबी उन भूलन दुबे के पास थी। जब उसको भी तोड़ा गया तो उसमें 60 गोली मीन से 6 डब्बा में पैक 60 गोली पाया गया, कुल मिला करके 62 गोली और एक कट्टा और एक बड़ा चाकू भी पाया गया। हाँ, उस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी है, साथ ही साथ और इतिहास उसको मतलब खंगाला जा रहा है, वह गिट्टी का कारोबारी भी है। नहीं, झारखंड क्षेत्र नहीं पड़ता, पड़ता क्षेत्र अपने बिहार में है, लेकिन वह बॉर्डर पर, बॉर्डर के इस पार भी उस पार भी गिट्टी का कारोबारी है और साथ ही साथ एक केस भी झारखंड में हुआ हो रखा है। अपने पास भी आपराधिक इतिहास की तलाश की जा रही है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र स्थित नूरपुर हरिजन टोला के एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने क्लिनिक में हंगामा और तोड़फोड़ किया। वहीं मृतक महिला की पहचान 40 वर्षीय अनीता देवी के रूप में हुई है, जो सरोख निवासी मिथुन कुमार सिंह की पत्नी थी। बता दें कि महिला को बुखार की शिकायत के चलते आज सुबह 8 बजे सहदेव प्रसाद के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर आशीष कुमार द्वारा गलत इंजेक्शन देने के कारण महिला की मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मधुसूदनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर आशीष को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। मृतका के पति मिथुन कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी बुखार से पीड़ित थी और डॉक्टर द्वारा गलत सुई लगाए जाने से उसकी जान चली गई। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके भरण पोषण की अब चिंता होने लगी है। वहीं डॉक्टर आशीष कुमार का कहना है कि महिला पहले से ही दवा लेकर आई थी और अधिक बुखार के चलते उन्हें इंजेक्शन दिया गया, लेकिन दवा के रिएक्शन के कारण महिला की मौत हो गई। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। पहले से दवाई खाया था, अब क्या टेबलेट दवाई खाया था हमको नहीं पता। उसके बाद फीवर से बहुत परेशान था, जो कांपने लगा, जैसे आके कांप रही है, परेशान थी। तो हम उसको जो है एक जॉन इंजेक्शन मिला के दिए, उसके बाद ना उसको अब कभी होने लगा, जिसके कारण हम ये भी तुरंत दे दिए, हो सकता कुछ रिएक्शन किया हो। भागलपुर में धनतेरस, दीपावली, काली पूजा
और छठ के पर्वों के खरीदारों को सुविधा प्रदान करने के लिए भागलपुर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त इंतजाम किए हैं। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक जवानों की तैनाती की गई है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे। ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि बाजार में खरीदारी के दौरान अपने वाहनों को सही ढंग से पार्क करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उन्होंने दुकानदारों से भी आग्रह किया है कि वे अपने दुकानों के सामने अनावश्यक वाहनों की पार्किंग ना होने दें, जिससे यातायात प्रभावित नहीं हो। जबकि खरीदारी के लिए आने वाले लोग अपने वाहनों का सही ढंग से पार्किंग में उपयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उन्होंने दुकानदारों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने दुकान के सामने अधिक वाहन ना लगने दें ताकि यातायात में अवरोध ना हो। उन्होंने सभी से कम पटाखों का उपयोग कर एक ग्रीन दीपावली मनाने की अपील की है। सबों से अपील करते हैं कि दीपावली में बढ़िया से मनाएं, पटाखा छोड़ें, ग्रीन पटाखा है। लेकिन जो रोड पे निकलते हैं, बहुत लोग मार्केटिंग के लिए निकले, सबों से अनुरोध है कि कृपया यातायात के नियमों का पालन करें, ओवरटेक न करें, जहाँ तहाँ बाइक ना खड़ा कर दें। मार्केट में बहुत रश है, सभी लोग देखते हैं दुकान के सामने एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन गाड़ी लगाए, जिससे सारे पुलिसकर्मी उसी में परेशान है। तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, सभी बाइक चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले से, जो ठेला दुकानदार हैं, जो ठेला लगवाते हैं, सबों से अपने दुकान के सामने यथासंभव बहुत किनारे करके गाड़ी लगवाएं, और जो रोड पे चलते हैं वो यातायात का पूर्णतः पालन करें। और खुशी का पर्व खुशी मनाने जा रहे हैं, सभी लोग दो आदमी बाइकर्स जो है दोनों हेलमेट लगाएं, भगवान ना करे कोई दुर्घटना का शिकार हुआ तो उससे बचने के लिए हेलमेट की आवश्यकता है, दो हेलमेट। हाँ, यही तो बोले, यातायात के नियमों का पालन करें, ओवरटेक ना करें, दोनों आदमी हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और सपरिवार आनंद से दीपावली मनाएं। भागलपुर के सनौला थाना क्षेत्र के बुढ़िया गांव में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 10 वर्षीय चिंटू कुमार की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब चिंटू शौच के लिए घर से 500 मीटर की दूर पश्चिमी बैहार की ओर गया था। इस दौरान नदी किनारे गुजर रहे हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से उसके गले में गंभीर चोटें आई और करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सुभाष मंडल के पुत्र चिंटू कुमार के रूप में हुई है। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद स्थानीय लोग भी घटना स्थल पर जमा हो गए, लेकिन तब तक सिंटू की मौत हो चुकी थी। परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हाई वोल्टेज तारों को सुरक्षित तरीके से नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से यह दुखद घटना घटी है। वहीं मृतक के पिता सुभाष मंडल ने बताया कि सुबह शौच के लिए गए बेटे का काफी देर तक पता नहीं चला। बाद में ग्रामीणों से सूचना मिली कि वह हाई वोल्टेज तार से चिपका हुआ पाया गया है। परिजनों ने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं सोया था, उसके बाद सोने के बाद सवेरे उठा, सवेरे उठ करके गया मैदान गया तो हम खोजने लगे। खोजने के बाद जो है हमको नहीं मिल रहा था, तो हम गए लद्दी से फिर भी आए, उसको हम लद्दी में नहीं देखे, आकर के फिर भी घर में हम खोजे कि सिट्टू कहाँ है। तो सिट्टू हम सोचे क्या खेलने के लिए गया होगा। तो फिर थोड़ा देर के बाद हमको जानकारी आया कि लद्दी में डूब गया। तो हम नाश्ता कर रहे थे वहाँ पे, उसके बाद जाके दरबट मारे तो वहाँ तार में लपझा हुआ था। वहाँ पे चार तार था, चार मौसम में दो तार में ही लपझा हुआ था। लेकिन बिजली से करंट से हाँ करंट से लगा ही है बिजली से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुभाष मंडल। जिसको करंट लगा हुआ आपका कौन था? बेटा था। क्या नाम है उसका? सिट्टू कुमार। उम्र 10 वर्ष। क्या अनुरोध करना चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको सिर्फ मुआवजा चाहिए कि मेरा बच्चा तो जाने का तो चल ही गया, लेकिन मुआवजा चाहिए। भागलपुर के SKP विद्या विहार में कलाकृति दीपावली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई कलात्मक कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय की प्रबंध निदेशक शोभा सिंह ने फीता काट कर किया।
वहीं कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक रणविजय प्रसाद सिंह ने छात्रों की कलाकृतियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और सृजनशीलता काबिले तारीफ है। वहीं शोभा सिंह ने दीपावली उत्सव के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पर्व भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाया जाता है और तब से यह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में विद्यालय के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर प्रशांत विक्रम, अभिषेक कुमार सिंह, सचिव मणिकांत विक्रम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हमारे विद्यालय एसकेपी विद्या विहार में दिवाली महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें बच्चों ने और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत और लगन से काम किया है। इसमें तरह तरह के कलाकृतियों का प्रदर्शनी हुआ है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित रामेश्वरम गेस्ट हाउस में जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार ने की और मंच संचालन भी उन्होंने ही किया। दरअसल इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन को मजबूत करना था, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जनता तक पहुँचाने पर जोर दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार ने मुख्य अतिथियों का स्वागत फूल माला और अंग वस्त्र देकर किया। बैठक में नेताओं ने प्रखंड और पंचायत स्तर पर संगठन को और सशक्त बनाने के लिए गांव-गांव जाकर मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने और योजनाओं का सही निगरानी पर जोर दिया है। साथ ही आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः सत्ता में लाने के लिए एकजुट होकर काम करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में एसके प्रोग्रामर नेपाली मंडल, मनोज भारती, अनिल मंडल, रानी झा, रूबी देवी सहित कई अन्य पंचायत अध्यक्ष और जदयू कार्यकर्ता उपस्थित थे।